कि हर समाज में हर व्यक्ति को अंगदान करने के लिए प्रेरित करना है। आंकड़े बताते हैं कि इस समय अंगदान करने की जो संख्या है वो बहुत कम है। आज 1 जुलाई राष्ट्रीय डॉक्टर्स दिवस के रूप में मनाया जाता है उसको। इस बार हम लोगों ने डॉक्टर्स डे का जो थीम रखा है वो रखा है हमने कि हर समाज में हर व्यक्ति को अंगदान करने के लिए प्रेरित करना है। आंकड़े बताते हैं कि इस समय अंगदान करने की जो संख्या है वो बहुत कम है। जब कोई व्यक्ति ब्रेन डेथ के नियर पहुँच जाता है और उसके जीवन की संभावना नहीं रहती तो उनको प्रेरित किया जाता है कि यहाँ पर अपना जो ऑर्गन अपन डोनेट कर सकते हैं, जिसमें आपका लंग है, हार्ट है, लीवर है, किडनी है। विश्व के अंदर इस समय किडनी और लीवर की बहुत आवश्यकता है और उसकी ब्रेन डेथ होने और डेथ होने के बाद में वो किसी काम का नहीं रहता। उस संदर्भ में हमारे यहाँ पर सोटो और नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इन लोगों ने यहाँ पर एक कमेटी बनाई हुई है। उस कमेटी के जो स्टेट जो JLN मेडिकल कॉलेज अजमेर के जो हेड हैं डॉक्टर श्याम बूत्रा सर हैं, वो आपको इसके आगे उन्हें बताएंगे प्लीज। अंगदान के बारे में आज जैसा कि खरे सर ने बताया है कि हमारी जो डॉक्टर्स डे के सेलिब्रेशन की थीम आज अंगदान पर आधारित है। अंगदान के बारे में अगर मैं जानकारी दूं कि प्रति वर्ष करीब 5 लाख लोग भारतवर्ष में अंगों के अभाव में अपना दम तोड़ देते हैं। प्रति वर्ष करीब करीब अगर भारत में देखा जाए तो 2 लाख किडनीज की आवश्यकता होती है। उसके मुकाबले हम 2022 का आंकड़ा देखें तो 11,300 किडनियाँ हमें दान के रूप में मिली। लीवर जो कि 30,000 से 50,000 लीवर की हमें आवश्यकता होती है प्रति वर्ष, उसके मुकाबले हम 3,700 लीवर ही एकत्रित कर पाए। उसी प्रकार अगर मैं हार्ट की बात करूँ तो 50,000 के एवज में हम सिर्फ 250 हार्ट ट्रांसप्लांट कर पाए और लंग्स तो 138 ही कर पाए। कहने का मतलब ये है कि अंगदान के प्रति जागरूकता के अभाव में हम सप्लाई और डिमांड के बीच में बहुत बड़ा गैप है और इसको पूर्ति करने के लिए सरकार ने ये बीड़ा उठाया है कि जन जागरण की कोशिश की जाए। और इसी जन जागरण की कोशिश में आज हमारे सभी सीनियर चिकित्सक, नर्सिंग कर्मी, हमारे रेजिडेंट्स, हमारे अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स, इन सब ने इस बीड़ा को उठाया है और समाज में जन जागरण फैलाने की प्रयास करेंगे।